तो हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस मालूम है ये वीडियो का आप लोगों को बहुत ज्यादा ही देरी से इंतजार था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, कुछ रीजन की वजह से ये वीडियो लेट हो रही है, लेकिन अब जो है फाइनली आ चुकी है और वो रीजन जो है तुमको वीडियो के बीच में पता चल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में अपना जो है ना टॉप 5 सिग्मा इंडियन ट्रेन गेम के ऊपर एक वीडियो बना रहे हैं। और तुम्हारी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि इस लिस्ट में जो है ना खाली सिमुलेटर गेम को ही कंसिडर किया गया है, उसके अलावा और कोई गेम नहीं। तो अपने गेम का नाम लिखने से पहले एक बार 30 सेकंड का सुविचार ध्यान से सुने। तो अभी जो है देखो, मैं तुम लोगों को सिंपल चीज बताता हूँ कि अपने टॉप सिग्मा की जो कैटेगरी है उसको लिस्ट आउट करने से पहले मैं तुमको ये चीज बता दूं कि अपने जो तुम लोगों ने ना अपना सिग्मा कैटेगरी का जो कंपैरिजन वीडियो है उसको नहीं देखा तो तुमको ये वीडियो घंटा भी नहीं समझ में आने वाला। तो एक बार वाली वीडियो देख करके आओ और उसके बाद ये वीडियो में घुसो तो तुमको ज्यादा मजा आएगा। तो गाइस अपने लिस्ट आउट करने से पहले मैं तुमको एक बार अदर्स गेम की भी कैटेगरी बता दूं, जो कि एक तो अपने कंपैरिजन वीडियो में आ नहीं पाए और अगर आए भी तो उसमें मतलब किसी भी कारणवश वो मतलब उसमें आउट हो गए। तो उसकी लिस्ट है कुछ इस प्रकार, जिसमें अपना पहले नंबर पे इंडियन रेलवे ट्रेन सिमुलेटर, इंडियन लोको पायलट हैवी वर्क और साथ में अपना इंडियन ट्रेन सिम 2024। और तुमको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन रेलवे ट्रेन सिमुलेटर को छोड़ के जो बाकी के दो गेम है ना, तो उसमें जो है ना तुमको मेजर से मेजर वाले इश्यूज देखने को मिलेंगे और साथ में जो बग्स है वो भी तुमको कुछ समझ आएंगे, तो अपने हिसाब से देख लेने का। तो चलते हैं अपने सिग्मा टॉप 5 के लिस्ट की ओर। तो गाइस अगर बात की जाए अपने पांचवें नंबर और सबसे लास्ट नंबर वाले गेम की, इसका नाम चेंज हो चुका है, 2018 था पहले, अभी जो है इसका नाम हो गया इंडियन ट्रेन सिमुलेटर। और बात की जाए अगर इसके खासियत की, तो इसमें जो है ना तुम अपने लो एंड डिवाइस में भी इस गेम को चला सकते हो और विदाउट तुम्हारे मोबाइल को लात मारे हुए ये गेम जो है ना आराम से तुम्हारे फ़ोन में चल सकता है। तो इसके लिए ये गेम है इस लिस्ट में। तो गाइस ये है इस गेम की खासियत। तो इसके अलावा भी मतलब बहुत सारी खासियत है, क्योंकि इसमें जो है ना लॉन्ग टर्म रूट भी मिलेगा और तुमको जो है ना लॉन्ग टर्म मतलब खेलने के लिए बढ़िया है कि इसमें जो है ना तुमको तरह तरह के करियर मोड भी मिल जाता है, कस्टम भी मिल जाता है, साथ में सिनारियो मोड भी देखने को मिल जाता है क्विक प्ले के साथ। तो मज़ा आएगा गेम खेलने पे, एक बार ट्राई कर लेना। तो गाइस अगर बात की जाए अपने चौथे नंबर वाले गेम की, तो वो है अपना ये वही गेम है जिसके डेवलपर्स का विजन है कि अपने लो एंड डिवाइस के लिए अच्छे से अच्छा गेम बनाना, और साथ ही में बस इसका जो विजुअल है यानी कि ग्राफिक्स है वो इतने खास नहीं है, क्योंकि मतलब थोड़ा क्लियर नहीं है बस ऐसा समझो। और अगर बात की जाए मीडिया की यानी ट्रैक साउंड और साउंड इफेक्ट की, भाई साहब कोई भी गेम ये गेम से नहीं जीत सकता भाई, मतलब इसमें एक लेवल की है। और इसमें ना तुमको तरह तरह के सिनारियो मोड भी देखने को मिल जाएंगे जिसको तुम लोग खेल भी सकते हो। और मेरा जो सबसे फेवरेट वाला है वो है भाई अपना पैरेलल रेस का, भाई साहब क्या जोरदार रेस चलती है ना। और दूसरे नंबर पे तो यार जानते हो अपना इंजन फेलियर वाला, यार उसमें तो सीन हो गया था अपने साथ। तो खैर, तो ये सब जो गेम है वो भी बहुत अच्छे हैं, तो एक बार कंसीडर जरूर करना आप, भले तुम्हारे पास हाई डिवाइस है लेकिन एक बार इसको जरूर खेलने का। तो गाइस अभी बात की जाए अपने तीसरे नंबर वाले गेम की ओर, हाँ रुको अभी तीसरा नंबर वाला नहीं बताएंगे, उससे पहले जो है ना तुमको दूसरे नंबर वाले गेम की ओर लेके चलते हैं और इसके बारे में तुमको एक खासियत बताते हैं। देखो जो ये वीडियो जो लेट हो रही है ना उसका मेन कारण यही गेम है, क्योंकि हम लोग जो है ना इसी के लिए वेट कर रहे थे कि इसका नया अपडेट आए तो उसके बाद हम लोग लिस्ट आउट करें, क्योंकि भाई उसके बाद अगर लिस्ट चेंज हो जाएगी तो कोई कहा भी नहीं जा सकता। इसके लिए जो है ना हमको इसको दूसरे नंबर पर रखना पड़ा, नहीं तो ये गेम जाता तीसरे नंबर पर। तो इस गेम का नाम है, तो गाइस अपना जो इंडिया ट्रेन सिमुलेटर है इसके अपडेट तो यार तुमको पता ही है बहुत ज़्यादा ही डीले पे चलते हैं, मतलब अपनी इंडियन ट्रेन की जैसे ही इसके अपडेट भी जो है ना डीले पे चलते हैं, तो इसकी वजह से ये वीडियो भी लेट हो रही थी। लेकिन अब बोले कि भाई जाने दो, आएगा अपडेट जब आएगा, लेकिन वीडियो नहीं लेट होनी चाहिए। तो अगर बात की जाए अपने इंडियन ट्रेन सिमुलेटर की खासियत की, तो यार सबसे पुराना गेम प्ले स्टोर में जो है ना अपना इंडियन ट्रेन सिमुलेटर ही है सही बोलूँ तो। और इसकी बात की जाए अगर ग्राफिक्स की, वो भी बहुत अच्छे है, साउंड इफेक्ट भी बहुत अच्छा है, बस इसमें तुमको ना एक चीज़ की दिक्कत देगी जो कि तुमको परचेसिंग करना पड़ेगा यार, मतलब तुम बिना परचेस करे ना बाकी ट्रेन को एक्सप्लोर भी नहीं कर पाओगे और रेलवे स्टेशन एक्सप्लोर कर पाओगे, बाकी जो ट्रेन से कोचेस है और हॉर्न है और जो भी मतलब स्पेशल चीज़ें हैं ना उसको तुम लोग एक्सेस नहीं कर सकोगे, तो वो चीज़ का ध्यान रखने का। तो उसी के साथ जो है अपना ये जो गेम है वो आ गया है अपने दूसरे नंबर पर। और गाइस अगर इसका अपडेट की बात नहीं होती ना पक्का ये तीसरे नंबर में जाने वाला था, लेकिन यार अपडेट की वजह से इसको जो है ना उठा करके दूसरे नंबर में रखना पड़ा। तो अगर बात की जाए अपने तीसरे नंबर वाले गेम की ओर, अगर बात की जाए भारत रेल सिम की खासियत की, तो इसमें जो है ना ट्रैक साउंड, अरे हॉर्न भी है भाई टेंशन मत लो,
हॉर्न और साथ में जो है मतलब ग्राफिक्स और ऑफिक जो है सब एक नंबर है। और उसमें जो है ना तुमको इंडियन रेलवेज की सभी जो है लेटेस्ट ट्रेनें ना इस गेम के अंदर तुमको देखने को मिल जाएगी, वो भी जो है ना तुमको मुफ्त में मिलेगी, यानी कि तुम इसको जो है ना फ्री में एक्सेस कर सकते हो। और अगर बात की जाए इस गेम के नेगेटिव पॉइंट्स की, तो यार देखो इस गेम के नेगेटिव पॉइंट्स भी है तो मैं तुमको बता देता हूँ, नहीं तो यार बाद में बोलना मत यार कि ऐसा ऐसा सीन हो रहा है हमारे साथ। तो देखो इसके नेगेटिव पॉइंट्स ना इसके नए अपडेट से शुरू हो रहा है, क्योंकि इसका जो नया अपडेट है ना उसमें ग्राफिक्स इंप्रूव हुआ है और उसकी वजह से जो है ना तुमको लो डिवाइस में चलाने में इशू हो सकता है। और तुम्हारा जो डिवाइस है भले हाई ग्राफिक्स वाला हो या फिर हाई हो, उसके बावजूद भी तुम्हारे डिवाइस को ये हॉट, बहुत हॉट, इतना हॉट कि तुम उसमें रोटी अंडा आमलेट, अंडा आमलेट नहीं ये आउट ऑफ सिलेबस है, तो रोटी तुम आराम से उसमें पका सकते हो। तो एक बार जरूर ध्यान देने का, क्योंकि डिवाइस सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यार हमारी वीडियो भी तो देखना जरूरी है। तो गाइस एक बार जरूर इस गेम को भी कंसीडर कर सकते हो आप लोग। तो गाइस अभी आते हैं अपने पहले नंबर वाले गेम पे। तो देखो पहला नंबर वाला जो गेम है ना वो भी अपने दूसरे नंबर के ही जैसा है, इसका भी जो अपडेट है ना वो डीले हो रहा है और हम लोग जो है इसी के अपडेट के पीछे ही वीडियो को डीले पे डीले किए जा रहे थे, लेकिन अब जो है दोनों गेम का हो गया है सत्यानाश और साथ में हो गया है लिस्ट आउट। तो अब इसमें कोई हमारी गलती नहीं है। और अगर बात की जाए अपने पहले नंबर वाले गेम की, तो उसका जो नाम है, नाम जानने से पहले अभी उसका जो है नया अपडेट भी आने वाला है, जल्दी आने वाला है, और उसमें जो है मुंबई लोकल है और मैंने वो लोकल ट्रेन चलाई हुई है, भाई साहब क्या जोरदार मजा आता है। और साथ में अभी ना उसमें एक नया चीज़ भी ऐड हुआ है जो कि तुमको कोई भी गेम में क्या, अरे तुमको किसी इंडियन ट्रेन सिमुलेटर में भी देखने को नहीं मिलेगा, तो वो चीज़ भी मैं तुमको दिखा दूंगा। तो अगर बात की जाए अपने पहले नंबर वाले गेम की, बात की जाए इस गेम की, तो यार इस गेम की जो ग्राफिक्स है भाई, ग्राफिक्स और डिटेलिंग के मामले में भाई ये गेम जो है ना सबको टक्कर देने के लिए अकेले ही काफ़ी है। भले ये गेम छोटा है लेकिन ये गेम है ना रियल सिमुलेशन गेम मेरे को लगता है, क्योंकि देखो सिमुलेशन का मतलब यही होता है कि अपने जो एक अलग से वर्चुअल वर्ल्ड हो और उसके अंदर हम लोग जो चाहे वो कर सके। तो इस गेम में जो है ना तुमको तरह तरह के विचित्र कारनामे करने को और देखने को भी मिल जाएंगे, जो कि हम लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल पर भी डाला हुआ है, तो एक बार उसको भी ज़रूर देखें, जो कि कारनामे बहुत ही मज़ा आते हैं और अपने को कुछ नया सीखने को भी मिल जाता है इसी बहाने। तो गाइस अगर बात की जाए इस गेम के नेगेटिव पॉइंट्स की, तो देखो ये चीज़ मेरे को पर्सनली तो फेस नहीं हुई, लेकिन आप लोगों के कमेंट की वजह से और साथ में रिव्यू की वजह से मुझे एक बात तो पता चल गई कि आधे लोगों के मोबाइल में ये गेम जैसे ही डाउनलोड होके इंस्टॉल हो जाता है और उसके बाद जैसे ही गेम को ओपन करते हैं ना तो उनके स्क्रीन में काला अंधेरा छा जाता है, यानी कि तमराज किल्विस उनके इस मोबाइल फ़ोन में आ जाता है, तो उसकी वजह से जो है ना ये लोग वो गेम नहीं खेल पाते कि स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। तो डेवलपर से आशा है कि एक बार इसको ज़रूर कंसिडर कीजिए और साथ में जो ये इशू है उसको भी एक बार फिक्स कर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर बात की जाए मैंने भी इसको लो ग्राफिक्स में खेला है लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कोई इशू आया नहीं है और मेरे को भी पर्सनली किसी ने बताया भी नहीं है कि भाई ऐसा सीन है, वो तो रिव्यू की वजह से पता चल गया। तो चलते हैं आज की इस वीडियो के समापन की ओर, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं तुमको कह दूँ कि यार देखो हम लोग जो है ना सब गेम का जो है रिव्यू करते हैं और तुमको जो है ना गुडनेस और बैडनेस भी बता देते हैं और मिस्टेक्स भी बता देते हैं, तो एक बार तुम लोग भी ना नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता दो कि वीडियो में और साथ में जो लिस्ट आउट है उसमें क्या मिस्टेक हुई है, जिससे हम लोग भी जो है ना उसको कुछ सुधार कर सके। तो कमेंट में बता दो यार, थोड़ा अच्छा लगता है। तो बस आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो छोड़ गए तो अच्छी बात और अगर खराब लगे तो सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।